केंद्र सरकार की पहल पर देश भर में गरीब जनता के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू किए गए ताकि गरीब जनता भी सस्ती दवाएं खरीद सके। लेकिन हल्द्वानी में केंद्र सरकार की इस योजना को पलीता लगता दिख रहा है। बेस अस्पताल में जन औषधि केंद्र खोला तो गया है, लेकिन लगभग 2 महीने बीतने के बाद भी आज तक दवाइयां बंटनी शुरू नहीं हो पाई हैं। यही नहीं, शहर में जन औषधि केंद्र पर महंगी दवाएं बेचते देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम पर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह मोदी जी की फोटो लगाकर बोर्ड लगाए हैं और कहीं कहीं औषधि केंद्र खोले भी गए हैं। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो पा रहा है। अंदर दवाइयाँ हैं भी तो उनको चूहे कतुर रहे हैं, लेकिन मरीजों को तो दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जन योजना केंद्र केवल सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। वहीं जब इस बारे में CMS से बात की गई तो सुनिए CMS ने क्या कहा। ये जेनेरिक स्टोर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चलाया जाएगा और हमारे चिकित्सालय द्वारा इन्हें एक रूम दिया गया है जिसपे ये लोग ये शीघ्र ही चलने वाला ही है। अभी 2 महीने हो गए सर करीब। हाँ, तो उनके अपने लाइसेंस प्रक्रिया चल रही थी सर, वो अब सर पूर्ण हो चुकी है, तो उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही चलाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब जनता के लिए जन औषधि केंद्र की शुरुआत की थी, लेकिन हल्द्वानी में इसका फायदा नहीं हो रहा और लोग महंगी दवाएं खरीदने को मजबूर हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।